सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में से सीखेंगे प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस पहले शाऊल के नाम से जाने जाते थे। वह एक यहूदी थे और मूसा की व्यवस्था के प्रति आत्मसमर्पित थे। जब हम परमेश्वर के वचन फिलिप्पियों 3:5-6 को पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस कहते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब शाऊल दमिश्क के निकट थे तब प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को दर्शन दिया। जब हम प्रेरितों के काम 9:4-5 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि शाऊल कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वह भी परमेश्वर की सेवा में लग गए। परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक व्यक्ति थे और परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के लिए सुसमाचार को सुनाने के लिए चुना था। जब हम प्रेरितों के काम 9:15 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब हम 1 तीमुथियुस 2:7 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं सच कहता हूँ झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। परमेश्वर के दास पौलुस को प्रेरित होने का अधिकार मिला। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें इसी नंबर पर अपने प्रार्थना निवेदन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।